ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय माता गायत्री की। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के दमदार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, डेली शाम 7 बजे अपनी एक जीएस की बेहतरीन कक्षा होती है और ये कक्षा आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली होगी। आप चाहे जो पेपर दे रहे हो, चाहे CGL दो, चाहे CHSL दो, चाहे MTS दो, चाहे बिहार पुलिस दो, बिहार कांस्टेबल दो, बिहार SI दो, UP पुलिस दो, MP पुलिस दो, हरियाणा पुलिस दो, मतलब A to Z आप जो एग्जाम दे रहे हो, ये बच्चे जो कक्षा है ना, लूसेंट स्पेशल कक्षा के नाम से मशहूर है और ये कक्षा सारे एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है। और जितने भी लोग आ चुके हो ना, सबसे पहले तो सब साथ में एक बार वीडियो को लाइक कर दो, सबके सब वीडियो को लाइक कर दो और धमाकेदार तरीके शेयर कर दो कि भैया क्लास का टाइम हो चुका है, आ जाओ, उपस्थित हो जाओ, शाम के 7 बज चुके हैं। और आज आप बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हो, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपके पेपर में जरूर फंसेंगे। ठीक है बच्चे, आज का मोटिवेशन कुछ अलग है, कुछ हटके है, उस मोटिवेशन को जरा देख लो। सब लोग कह रहा, रखना हमेशा अपने माँ बाप को ऐसे घर में, रखना हमेशा अपने माँ बाप को ऐसे घर में जैसे तुम रहते थे अपने माँ बाप के घर में। मतलब आज तुम्हें माँ बाप जब पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम नौकरी हो जाए, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद पता लगे तुम्हारे अंदर घमंड आ जाए, एगो आ जाए, फिर तुम अपने माँ बाप को अपने साथ रखने में शर्माने लोगो। तो बस यही बात मैं तुमको पहुंचाना चाहता हूं कि आप सबको कभी बड़ा, अगर आप बड़ा आदमी बन गए तो भूलना नहीं अपने उन माँ बाप को जो आज तुमको, जब ये मत सोचना कि मेरे माँ बाप का घर जो था वो पानी टपकता था, बेकार था। बच्चे जैसा भी था ना, बहुत सुंदर था, आपके जीवन की परवरिश कर दी वही बहुत अच्छा है, जीवन जीने का तरीका बता दिया वही बहुत अच्छा है, पढ़ना सिखा दिया वही बहुत अच्छा है, इन सबके रड़ी हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं, तुमने हमारे लिए जीवन में किया है कि आपने बाप से, कहते हैं अरे बाप ने तुम्हें पैदा ही करके दुनिया में ले आए वही बड़ी बात है, और पैदा करके तुमको बड़ा बना दिया वही बड़ी बात है। तो हम ऐसे माँ बाप को बच्चे कभी भी निगलेक्ट मत करना, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल हैं, वरना आज समाज में वृद्धावस्था नाम की बीमारी ना होती। जो वृद्धावस्था ओल्ड एज होम नामक बीमारी फैली है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका कारण यही है कि बच्चे जिनके लड़के नहीं है या जिनके बच्चे एक प्रकार से नहीं रह गए, उनके माँ बाप वहां पे रह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जिनके बच्चे होते हुए भी बच्चे वो अगर असहाय हैं तो वो सबसे गलत बात है। तो जीवन में आपने समझो कुछ नहीं कमाया, तो इसीलिए आप सबको थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात, हम लोग पढ़ते रहते हैं, बट ये चीजें थोड़ा सा दिमाग और दिल में बसा के रख लो, बहुत आवश्यक है। राधे 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 राधे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशन लाइन से परिचित करा दिया हूं, आप सब इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये माँ का खिलखिलाता हुआ चेहरा अपने बच्चे को हवा में उछाल रहा है। बच्चे इसी तरह जब माँ तुम्हारी बूढ़ी हो ना, आपको भी उनको बिल्कुल खिलखिलाते हुए महसूस कराना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको सबको बता दूं, जितने भी MTS के बच्चे साथी छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो अपना भाई साहब जो फिनिक्स एकेडमी का बैच है, सर्वोत्तम बैच है, महायोग बैच, जुड़ सकते हो आसानी से, सारी फैसिलिटी और बहुत अच्छे से क्लासेस डेली का डेली इसमें चल रही हैं। कूपन कोड अगर यूज करना चाहते हो तो बच्चे यहाँ पे यूज कर सकते हो, MTS50, क्लियर है। और ये बच्चे हमारा GS का स्पेशल बैच है, आप सब जानते हो, लूसेंट त्रिशूल बैच 2.0, और बहुत जल्द आपको एक नया बैच मिलने वाला है GS में जो आप अलग लेवल का होगा, ठीक है। तो बच्चे 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आप इसमें जुड़ सकते हो, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दोनों है। और बच्चे ये जो आपको प्राइस दिख रहा है इसको आप कम कर सकते हो, एक कूपन कोड यहाँ पे लगा देना जिसका नाम है RAM20, और RAM20 कूपन कोड लगाओगे वैसे ही आपका प्राइस इसमें 1600 रुपए पड़ेगा और आसानी से इसमें ज्वाइन हो सकते हो। मिलेगा कहाँ पर? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव नामक ऐप पर, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर, इस तरह का लोगो आएगा। आज का टॉपिक बहुत प्यारा सा है, एक और बच्चे आपके सामने मोटिवेशन कोट से, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है।
साथियों, आज का टॉपिक आप सबको थंबनेल में दिखा ही होगा, टाइटल में मिला ही होगा, उसका बच्चे नाम है तो आप कह सकते हो भारत के प्रमुख शोध संस्थान। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि आज राघव सर बच्चे स्लाइड बनाकर ले आए, बिल्कुल ले आया, लेकिन अभी यहां देखना तुम, इन्हीं अनुसंधान केंद्र से ऐसा तांडव कटेगा, ऐसा तांडव कटेगा कि इन अनुसंधान केंद्र से कम आज की कक्षा 400 से 500 सवाल की पक्की है और सारे एग्जाम में आपका फंसना पक्का है। ठीक है, बस इतना समझ लेना, आपको एक एक चीज नोट करनी है, दिमाग में बसानी है, इतना काम कर लेना। शुरू करते हैं क्लास को अलग लेवल पे। सबसे पहली बात तो आप सबके सामने दिख रहा होगा, शोध संस्थान मतलब अनुसंधान केंद्र, एक प्रकार से कह सकते हो जिस चीज का जहां पर रिसर्च किया जाता है, जिस चीज का जहां पर एक प्रकार से शोध किया जाता है कि हाँ, जैसे कृषि है तो कृषि का पता लगाया जाता है, कौन सी खेती किस मिट्टी के लिए उपयुक्त होगी, तो ये सारी चीजें जब तक उसका शोध नहीं होता तब तक हम लोग नहीं जान पाते। तो ये बात बच्चे आपको जाननी है। यहां पे लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो खेती का पूरा शोध बच्चे कहां पर होता है आप सब बता देना। इसका शोध होता बच्चे कहां पर, नई दिल्ली में होता है। कहां पर होता, नई दिल्ली में। बच्चे यहीं पर बहुत अच्छे से मैं बात करूंगा, आपको एक टर्म मिल गया जिसका नाम है न्यू दिल्ली। क्या मिल गया, न्यू दिल्ली मिल गया। न्यू दिल्ली से मैं जितने प्रश्न आपको याद कराऊं, जरा याद कर लेना, गौर फरमाइएगा। सबको पता है भारत की वर्तमान में कैपिटल, भारत की वर्तमान में जो राजधानी है उसका नाम नई दिल्ली है। अगर तुमसे कहा जाए भारत की पूर्व कैपिटल क्या थी तो आप सब बता सकते हो पूर्व राजधानी भारत के बच्चे कलकत्ता हुआ करती थी। और पेपर में प्रश्न आता है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जब की जा रही थी तो उसका अनाउंसमेंट, घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा आप कह सकते हो 1911 में हुई थी। और बच्चे कोलकाता से जो राजधानी नई दिल्ली बनी थी वो कब, किस वर्ष बनी थी, वो बनी थी 1912 में बनी थी। तो दोनों प्रश्न आप याद कर लेना, पूर्व राजधानी कलकत्ता है, वर्तमान में नई दिल्ली है, नई दिल्ली बच्चे 1912 में राजधानी बनी थी, याद कर लेना। और बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, न्यू दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहां पर एक ऐसा पर्यटन स्थल स्थित है जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं जिसका नाम है कुतुब मीनार। सब लोग जानते होंगे। और कुतुब मीनार से रिलेटेड प्रश्न आते बच्चे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आप सब बहुत अच्छे से परिचित हो, जिसका नाम है बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चे कुतुब मीनार का निर्माण करवाए थे। किसका, कुतुब मीनार का निर्माण करवाए थे। ठीक, इन्होंने एक प्रकार से निर्माण की नींव रखी थी, निर्माण की नींव रखी थी। अगर तुमसे कह दिया जाए कि आखिरकार कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, तो आप कह सकते हो बच्चे संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो आप कह सकते हो गुलाम वंश का संस्थापक, क्या नाम है बच्चे, तो गुलाम वंश का संस्थापक जिसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और ममलूक वंश भी कहते हैं। अगर यहीं पे कह दे कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया, तो पूरा करवाया था बच्चे किसने, इल्तुतमिश नामक व्यक्ति ने बच्चे इसको पूरा करवाया था। आप सब अच्छे से बता सकते हो। यही पर तुमसे कहा जाए इल्तुतमिश की बच्चे पुत्री का नाम क्या है, तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम बच्चे आप सबको पता है रजिया सुल्तान है, जो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका है। कौन, रजिया सुल्तान। फिर बच्चे यहीं पर तुमसे कहा जाए कि इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो बच्चे ऐबक बताओगे, और अगर आपसे पूछेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तब आप सब बता दोगे जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आप अच्छे से बता दे सकते हो। फिर बच्चे यहीं पर दो तीन सवाल और तुमसे पूछ लेगा कि इल्तुतमिश ने बच्चे एक प्रणाली चलाई थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था इकता प्रणाली। इकता प्रणाली किसने चलाई, इल्तुतमिश ने। फिर बच्चे तुमसे सवाल पूछेगा इल्तुतमिश ने बच्चे मुद्रा चलाई थी, उन मुद्राओं के नाम क्या थे, तो उन मुद्रा के नाम थे, एक का नाम था टका और एक का नाम था। इतने भी प्रश्न आप अच्छे से बता ले जाओगे। फिर बच्चे बहुत अच्छे सवाल आएगा इल्तुतमिश ने एक संगठन बनवाया था, उस संगठन का नाम क्या है, उस संगठन का नाम है तुर्कान ए
चहलगनी। क्या नाम है? तुर्कान चहलगनी। बच्चे तुर्कान चहलगनी कौन होते थे? तुर्कान चहलगनी आप कह सकते हो इसमें 40 सरदारों का समूह होता था। कितने सरदारों का? 40 सरदारों का समूह होता था तुर्कान चहलगनी में। इस प्रकार आप इसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो और भाई साहब बता सकते हो। क्लियर है? यही पर आप बता सकते हो कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसकी बच्चे घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी। घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी तो ऐबक की। घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु, ऐबक की मृत्यु हुई थी। बच्चे किस वर्ष हुई थी तो आप बता सकते हो 1210 ईस्वी में। बच्चे घोड़े से क्यों गिर गया था? क्योंकि बच्चे एक खेल खेल रहा था, उसका नाम था पोलो। तो पोलो खेल खेलते समय घोड़े से बच्चे ये व्यक्ति गिर गया था ऐबक, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। बच्चे तुमसे कहा जाएगा कि जो पोलो खेल खेल रहा था ऐबक, पोलो को पहले क्या बोलते थे? पोलो को बच्चे पहले बोलते थे चौगान। तुमसे कहा जाएगा कि पोलो खेल में बच्चे खिलाड़ी कितने होते हैं? तो आप पोलो खेल में वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो पोलो खेल में बच्चे 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं यहीं पर तुमसे बात करूं पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। आप आराम से बता ले जाओगे पोलो में बच्चे कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। और याद कैसे रखोगे? बच्चे 4 बड़े आसानी से याद कर सकते हो। अगर इसमें मात्रा और अक्षर की बात करोगे तो दोनों मिला के 4 टर्म यहां पर आपको मिलेंगे। एक बच्चे पा हो गया, एक ओ की मात्रा हो गई, एक ला हो गया और एक बच्चे ओ हो गया। तो मतलब 4 अक्षर मात्रा और एक प्रकार से व्यंजन मिला के कह सकते हो कितने? 4। तो 4 खिलाड़ी हो गए। फिर बच्चे बहुत अच्छे से तुमसे यहां पर एक टर्म कह देगा कि वाटर पोलो में कितने होते? तो बच्चे वाटर पोलो में तुमको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चे जो पोलो है पोलो में ऑलरेडी 4 होते हैं। ठीक है, जब वाटर शब्द लग गया तो वा यहां पे बड़ा का मात्रा वा मिला के 1 खिलाड़ी, टा में 1 खिलाड़ी, रा में 1 खिलाड़ी, तो 3 और 4 बराबर बच्चे टोटल 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में होते हैं। पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में बच्चे 7 होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये पूरा का पूरा मैटर तुम्हारा हो गया। ठीक है, और याद हो गया। बच्चे इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। जब आगे की तरफ बात करते मेरे लाल, तो आप बड़े प्यार से देख सकते हो यहां पर लिखा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो जब गन्ने की बात आ जाएगी बच्चे, गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयंबटूर। और बच्चे याद कर लेना कोयंबटूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु। टीएन का मतलब है तमिलनाडु, टीएन का मतलब है तमिलनाडु। कोयंबटूर पड़ता है जहां पे गन्ने किससे रिलेटेड रिसर्च होती है। बच्चे यहीं पे पेपर में प्रश्न आएगा कि गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहां होता? भारत में उत्पादन गन्ने का सबसे ज्यादा कहां होता? तो आप कह सकते हो गन्ने का सबसे ज्यादा बेटा उत्पादन यूपी में होता है। और बच्चे तुमसे कहा जाएगा कि रेड राट का क्या बोला जाएगा? रेड राट। और रेड राट को हिंदी में कहते हैं बच्चे लाल सड़न रोग। क्या बोलते हैं? लाल सड़न रोग। बच्चे गन्ने में कौन सा रोग होता है या किस फसल में रेड राट नामक बीमारी होती है? बच्चे आप कह सकते हो रेड राट नामक बीमारी गन्ने में होती है, सुगर केन में, बता सकते हो। ठीक, इसके संबंधित रिसर्च सेंटर कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल बच्चे आपसे मिलेगा, क्या मिलेगा? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां है? तो जब तंबाकू की बात आ गई, मतलब टोबैको की बात, तो ये है राजमुंद्री। और राजमुंद्री बच्चे पड़ेगा आंध्र प्रदेश। क्या पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी यहां पर आप एपी लिख दो, मैं एपी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि बच्चे एपी से 2 राज्य बनते हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक अरुणाचल प्रदेश। तो जब आपको आंध्र प्रदेश लिखना हो तो AN.P लिख देना, और जब अरुणाचल लिखना हो तो ARP लिख देना, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। जब तंबाकू की बात आ गई तो बच्चे पेपर में सवाल बहुत बढ़िया आता, तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आप सब बता सकते हो तंबाकू में बेटा निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता। कौन सा? निकोटीन नामक पदार्थ किसमें पाया जाता है? बच्चे
तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्लियर है? फिर बच्चे तुमसे पेपर में सवाल आएगा कि जो तंबाकू है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? आप यहां पे बताओगे तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा बच्चे पूरे विश्व में कहां पर होता है, तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा तंबाकू बच्चे पूरे विश्व में चीन में पाई जाती है। कहां पे? चीन में पाई जाती है। फिर बच्चे अगला सवाल तुमसे कहेगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, मतलब तंबाकू को तंबाकू मत खाओ, क्योंकि तंबाकू खाने से बच्चे क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारी होती है। तो तंबाकू ना खाने के बारे में जो दिवस जागरूक करता है पूरे विश्व को, वो कब? तो आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को। फिर बच्चे यहीं पर सब बच्चे बताते हैं कि तंबाकू, और तंबाकू सबसे ज्यादा बेचते हैं, लेकिन जो पुड़िया होती है ना तंबाकू वाली, वहां नीचे लिखा भी होता है इसको खाने से कैंसर हो सकता है। बच्चे जब कैंसर हो सकता है तो तुम क्यों बेचते हो? और सब लोग जानते हैं जब कैंसर हो सकता है तो उसको खाएं क्यों? बच्चे वो लोग ऊपर बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है, वो लोग छोटा छोटा लिखते हैं। अगर बड़ा बड़ा लिख दे तो जो पहली बार तंबाकू खाएगा ना, वो भाई साहब कैंसर जैसी बीमारी को सुनकर ही सदमे में चला जाएगा और तंबाकू खाएगा ही नहीं, देख के ही डर जाएगा। लेकिन वो छोटा सा बिल्कुल ननबुद्दा सा लिखते हैं जिससे पता ही नहीं चलता है कि भाई साहब रियलिटी है कि नहीं है। तो आप कह सकते हो बच्चे आराम से, ठीक। अब बच्चे एक बच्चा सवाल पूछ रहा है तंबाकू भारत में सर्जी सबसे ज्यादा कहां होता है, तो बच्चे रिसर्च सेंटर कहां है, राजमुंद्री में। तो भारत में अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो भारत में बता देना आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित होती है, पूरे विश्व में चीन में होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चे अगला कह रहा है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो शक्कर से रिलेटेड है वो बच्चे कहां पर है, तो वो है बच्चे कानपुर। कानपुर सब लोग जानते होंगे, यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में। क्लियर है? अब बच्चे अगर कानपुर की बात करें तो एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा सवाल बनता है, याद कर लेना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, बच्चे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो आप कह सकते हो कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। यहीं पे तुमसे कह देता कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताओ, तो दक्षिण भारत का आप कह सकते थे कोयंबटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बच्चे कोयंबटूर को हो गया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बच्चे कानपुर को हो गया, और भारत का मैनचेस्टर बच्चे अहमदाबाद हो गया। क्या हो गया? अहमदाबाद में। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना मेरे बच्चे, चीनी से जितना भी रिसर्च होता है वो कानपुर में होता है। लेकिन बच्चे चीनी बनेगी किससे? चीनी सबको पता है गन्ने से बनती है, लेकिन तुम बता ले जाओगे कि चीनी मिले सबसे ज्यादा कहां पर है, तो तुम तुरंत सोचोगे कि गन्ना भाई साहब यूपी में होता है, तो चीनी मिले भी यूपी में होंगी। लेकिन बच्चे वो गलत है। चीनी मिले सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप सब कह सकते हो चीनी मिले बच्चे सबसे ज्यादा जो है ना वो कहां पर है, वो कह सकते हो MH का मतलब हो गया महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा चीनी मिले बच्चे महाराष्ट्र में ओपन है, याद कर लेना। फिर बच्चे यहीं पर सवाल तुमसे बनेगा बहुत जबरदस्त तरीके से कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है। कौन सा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? डेयरी मतलब एक प्रकार से दूध वाला काम। बच्चे कहां है? करनाल। अब तुम कहोगे सर जी करनाल कहां पड़ता है, तो करनाल बच्चे पड़ता है HR। HR का मतलब होता है हरियाणा। हरियाणा में बच्चे दूध शोध संस्थान स्थित है। और याद कर लेना मेरे लाल मेरे बच्चे, जब दूध की बात आ गई तो यहीं पे सवाल बनेगा कि एक सवाल बनेगा कि आप सब जानते होगे, इसका नाम सुने होगे दुग्ध उत्पादन। तो पेपर में आएगा कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति बताओ, तो तुम सब बता ले जाओगे दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति, जिसका नाम बच्चे श्वेत क्रांति है। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। फिर बच्चे तुमसे कहेगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है पूरे विश्व में, तो श्वेत क्रांति के जनक बच्चे किनको कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। फिर तुमसे कहेगा कि वर्गीस कुरियन साहब किस
भारत के तो है लेकिन किस राज्य के निवासी हैं? बच्चे वर्गीस कुरियन बच्चे भारत के केरला राज्य के रहने वाले व्यक्ति थे। फिर बच्चे यहीं पे आपसे सवाल, आप सब जानते हो अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया मतलब अमूल दूध के, अमूल दूध को भारत में लाने वाले अमूल दूध के संस्थापक कौन है? तो आप सब बता सकते हो अमूल दूध के संस्थापक जिनको कहते बच्चे वर्गीस कुरियन। क्या कहते? वर्गीस कुरियन। तो आप सब याद कर लेना अमूल दूध के संस्थापक का नाम वर्गीस कुरियन होता है। क्लियर है? केरल के रहने वाले हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है, याद कर लेना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। फिर यहीं पे याद कर लेना दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड कौन सा ऑपरेशन है? तो बच्चे याद कर लेना ऑपरेशन फ्लड। एक ऑपरेशन है जिसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से। जब तुमसे ऑपरेशन पूछे तब बता देना बच्चे ऑपरेशन फ्लड, जब तुमसे क्रांति पूछे तो दुग्ध उत्पादन बता देना, पूरा तुम्हारा काम बाकायदा तरीके से हो जाएगा। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब बच्चे एक बार मैं कहना चाहता हूं, देखो इतना पूरा हमने पढ़ा दिया क्योंकि एक स्लाइड का था, अब अगली स्लाइड में पहुंचते। तो आप सब बताओ रियली में आपको मजा आ रहा? अब जैसे क्या होता है बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पता किस प्रकार का कोर्स पढ़ना चाहते हैं? वो लोग पढ़ना चाहते हैं पूरी डिटेल में जीएस पढ़ा लें। सबसे बड़े गधे वाले बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग उनको बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बनते चले जाते हैं। पॉलिटी को संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पूरे पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ इतना अध्ययन करते भाई साहब पागल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सीजीएल देना है, एमटीएस देना है, पूरा पूरा नंबर नहीं बनाना बच्चे कि पीसीएस देने जा रहे हो, आरओ एआरओ देने जा रहे हो। मेरे लाल थोड़ा सा बुद्धि खोलो, सुबह हो गई है। मतलब आप जितना ज्यादा एक शब्दों से कलेक्शन अपना बना ले जाओ वो बच्चे आपको पेपर निकलवाएगा, वरना आप डिटेल में पढ़ते रह जाओगे। डिटेल में कब तक तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे, कब तक तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, कब तक तुम पॉलिटी पढ़ोगे, कब तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, कब तक तुम साइंस पढ़ोगे? भाई कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ते रह जाओगे तो भाई साहब तुमको कोई पूछने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन मेरी सलाह मानो, इस तरह टॉपिक उठाया करो और उन टॉपिक को आप रिलेट कर दिया करो जिससे तुम्हारा पेपर हो जाया करेगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो भाई साहब इधर उधर इतना भटकते हैं, वो कहते पॉलिटी सर पूरी पढ़ाओ। अरे पॉलिटी पूरी पढ़ लोगे तो भाई साहब पीसीएस बन जाओगे, तो एमटीएस में तुम क्यों जा रहे हो? एमटीएस में चपरासी की नौकरी मत करो, पीसीएस की करो। लेकिन बच्चे जब इस तरह पढ़ोगे ना, एक एक शब्दों को तुम बटोर ले आओगे। और मैं कहता हूं चाहे जो किताब आप ले आओ, सबका प्रीवियस ईयर का ये कलेक्शन है, कलेक्शन। और इस तरह जब कलेक्शन तुम अपना बनाओगे तब तुम्हारा पेपर निकलेगा। पेपर तुम जा रहे हो बिहार पुलिस का देने, पेपर तुम जा रहे हो जीडी का देने, पेपर तुम जा रहे हो इन सब का देने, तो भाई सब्जेक्ट पढ़ने का क्या फायदा? लोग क्या करते डेमो क्लास नाम से चला देंगे। भाई साहब डेमो से तुम पढ़ते रहोगे, भारत का एक प्रकार से भारत का सामान्य परिचय, भारत का ये। अरे भाई मैंने क्या कहा? मैंने कहा किसी का कोई सामान्य परिचय नहीं होता, केवल जीएस एक है सभी एग्जाम के लिए, एक जीके है, एक जीएस है, कोई अलग अलग जीके जीएस नहीं है कि अलग एग्जाम के लिए तुम बार बार वही लोक नृत्य जीडी के लिए पढ़ो, वही लोक नृत्य तुम एमटीएस के लिए पढ़ो, वही लोक नृत्य तुम सीजीएल के लिए पढ़ो। तो तुमसे बड़े गधे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है, इतना मान लेना। अगर तुम एक बार लोक नृत्य पढ़ चुके हो तो वही तो लोक नृत्य सारे एग्जाम में आएगा, सारे एग्जाम में वही लोक नृत्य तो आएगा। अब जैसे अनुसंधान केंद्र मैंने पढ़ा दिया, आज मैंने टाइटल लगा दिया एसएससी एमटीएस, तो तुम आज पढ़े ले लो, कल को मैं कहूंगा सीएचएसएल, तो क्या सीएचएसएल फिर वही हो गया? ना भाई, कुछ उसमें नया हो तो आप उसको करो, वरना वहीं पे उसको रोक दो। तो मेरा बताने का बस मतलब यह था कि आप थोड़ा सा समझदार बनो, आपके पेपर लगे वन डे और आप पढ़ने लगते हो डिटेल में, तो भाई साहब तो वो ना, ठीक है? हाँ, सारी चीजें वही रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में कूड़ा बच चुका है, कूड़ा भर लिए हो, बस इतना मान लेना। दुनिया 100 किताबें खरीद डालोगे, लूसेंट की किताब, ये स्टैटिक जीके, वो हिस्ट्री, वो ये, अरे भाई सारी किताबें उठा के देखोगे ना, रिजल्ट एक निकलेगा,
सब जगह वही है, केवल पन्ने फर्क हैं, पन्ने कहीं पर इधर है, कहीं पन्ने उधर है, बाकी कुछ इधर उधर नहीं है। तभी तो मैंने बच्चे एक आज तक का कोर्स बनाया है जीके का, एक कोर्स, कौन सा, त्रिशूल बैच 2.0। क्यों? क्योंकि उसमें जो बच्चा आए एक बार जीके सीख ले, फिर उसको जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बात समझ में आई होगी। चलिए तो अच्छा, इसकी पीडीएफ बच्चे पूछ रहे कहां मिलेगी, तो बच्चे मैं बार बार चिल्ला चिल्ला बताया हूं कि आपको बच्चे इसकी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव पे इस तरह लोगों मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां जाओगे फ्री कोर्स में, फ्री कोर्स में जाने के बाद आप पीडीएफ इसकी पा सकते हो। ठीक है, गागर में सागर सीरीज हमारी जीके जीएस की है ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो इतनी बात बच्चे समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे, अगला, अब आगे आ जाओ। आगे बच्चे तुमको याद कैसे करना है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त था। चलो फिर बच्चे यहीं पे याद करना है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मतलब चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो बच्चे आप सब बच्चे बहुत ध्यान समझना, चमड़ा, चा से चमड़ा और चा से चेन्नई, मतलब चमड़ा अनुसंधान, चमड़ा से रिलेटेड जितना रिसर्च होगा वो कहां पर होगा, चेन्नई में। और सब लोगों को पता है चेन्नई बच्चे कैपिटल है किसकी, तमिलनाडु की, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और आपको मैं बता दूं, पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार नगर निगम के चुनाव कहां हुए थे, तो याद कर लेना, पहली बार नगर निगम के चुनाव बच्चे चेन्नई में हुए थे। पहली बार नगर निगम के चुनाव कहां हुए थे, चेन्नई में हुए थे, याद कर लेना, क्लियर है। फिर बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, क्या मिला, औषधि अनुसंधान संस्थान कहां है, लखनऊ। मेरे लाल एक बहुत बढ़िया मेथड बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा हमें, ठीक है। एक देखो, मैं बहुत ध्यान से दीजिएगा, बहुत ध्यान से, क्या लिखा है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान। अभी और तुमको दिखाता हूं, मैं तुमको और बच्चे दिखाता हूं, हां, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान। तो तीन शब्द तुमने देखे, और वनस्पति वाला भी कहा है लखनऊ, विश्व वाला भी कहा है लखनऊ। तो तुमने केंद्रीय विश्व विज्ञान, केंद्रीय वनस्पति विज्ञान, और बच्चे क्या देखे, और बच्चे क्या देखे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान देखे। अब मेरे लाल, मेरे बच्चे जरा गौर फरमाइएगा, बहुत ध्यान से क्या फरमाइएगा, आपने देखे वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति, सबको पता है वनस्पति को हम लोग इंग्लिश में वेजिटेशन बोलते हैं, मतलब जहां पे पेड़ पौधे होते हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी भाई साहब एक प्रकार से अनुसंधान होगा, मतलब रिसर्च होगा, वो कहां पर होगा, सबको पता है वो होगा लखनऊ में, क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना आपको। फिर बच्चे यहीं पर हमने आपको दिखाया, अब तुम खुद बताओ कि वनस्पति वही पेड़ पौधा होगा, वही पेड़ पौधा होगा बच्चे, उसी पेड़ पौधे से कुछ पौधे ऐसे होंगे जो आपको मेडिसिन प्रदान करेंगे, मतलब औषधि प्रदान करेंगे। तो औषधि के रिलेटेड रिसर्च सेंटर कहां, लखनऊ। और वही कुछ पेड़ पौधे के पत्ते होंगे जिन, जो बच्चे आपको मार डालेंगे, मतलब विष अनुसंधान जहर वाला। तो एक प्रकार से भाई साहब मेरी बात से सहमत हो, वही पेड़ है, वही पेड़ से बच्चे दवाइयां भी निकल रही हैं, वही पेड़ से बच्चे जहर भी निकल रहा है, और तीनों का तीनों सिस्टम कहां भिड़ गया बच्चे, लखनऊ में भिड़ गया। आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, भाड़ में गई दुनिया कि वनस्पति अनुसंधान आ रहा कि क्या आ रहा बच्चे, औषधि आ रहा। तो कहने का मतलब है जाए जो आ जाए, लेकिन आपको लपेट के रख देना वनस्पति अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, विष अनुसंधान, सबके सब बच्चे लखनऊ लगा देना। अब यहीं पे बात समझ लेना, लखनऊ बच्चे किस नदी के किनारे स्थित है, सबको पता है गोमती नदी के किनारे। और बालक बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है कि
नवाबों का शहर लखनऊ को कहते, लेकिन गोमती नदी के किनारे एक जो पेपर में छपने वाला सवाल आता है उसको कहते हैं जौनपुर। पेपर में आता है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चे जौनपुर जो स्थित है वो स्थित है गोमती नदी के किनारे। क्लियर है? फिर मेरे लाल यहीं पे याद कर लेना, जौनपुर क्यों प्रसिद्ध है? जौनपुर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए जौनपुर को बच्चे भारत का सिराज कहते हैं। तुमसे कहा जाएगा बच्चे भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो आप सब बता सकते हो कि भारत का सिराज बच्चे जौनपुर को कहते हैं। इस प्रकार तुमको जौनपुर के बारे में भी चीजें समझ में आ गई होंगी जबरदस्त तरीके से। तो बच्चे बिल्कुल मजा आ रहा ना? मजा आएगा, एक एक चीज मजा आएगा भाई, केवल बस पढ़ते रहो। हम तुमको बिल्कुल ऐसा पढ़ा देंगे ना कि भाई साहब तुम याद रखोगे कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। एक सेकंड रुक जाना बच्चे, बस एक चीज मैं तुमको और बताना चाहता हूं। चलिए इतनी बात समझ आ गई। तो बच्चे तब तक तुम सब एक बार वीडियो को जरा लाइक कर दो, जरा शेयर कर दो और बता दो कि राघव सर भैया पढ़ा रहे, जुड़ जाओ अगर जुड़ना हो, लोगों को बुला लाओ मेरे लाल मेरे बच्चों, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़वा दो, तुम सबसे हम है, ठीक है? तुम बच्चे होगे तभी भाई साहब हमारा काम हो पाएगा। चलो बहुत बढ़िया, तभी हमको लगेगा कि हाँ इतने सारे बच्चे हमको प्यार करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए अब बच्चे बहुत बढ़िया सवाल आता है, क्या आता है बच्चे? जौनपुर की स्थापना किसने की थी? स्थापना तो आप सब बता सकते हो, जौनपुर की स्थापना बच्चे की थी तुगलक वंश का सुल्तान जिसको कहते हैं फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। लेकिन एक प्रश्न और आता है, ये जो स्थापना की थी ना बच्चे वो याद में की थी, याद में किसकी याद में की थी? तो बच्चे फिरोज तुगलक के भाई का नाम था, क्या भाई का नाम था बच्चे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MBT भी कहते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बच्चे कहते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक को बच्चे किस नाम से जानते थे? आप सब बता सकते हो, जूना खां। जूना खां बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे। क्लियर हो गई बात? इतनी बात तुमको पता चल गई होगी, ठीक है? फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, जौनपुर में एक मस्जिद है जो पेपर में प्रश्न पूछती है, अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद बच्चे कहां पर है? तो अटाला मस्जिद बच्चे जौनपुर में है। पेपर में सवाल आएगा कि अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो याद कर लेना अटाला मस्जिद का निर्माण बच्चे 1408 ईस्वी में, कब? 1408 ईस्वी में किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बच्चे अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया, याद कर लेना। तो ये रही पूरी कहानी बच्चे। तुमने सोचा होगा कि बच्चे लखनऊ नदी किनारे गोमती है, अच्छी बात है, गोमती नदी किनारे लखनऊ है, लेकिन गोमती के किनारे जौनपुर भी है और जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं और जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी अपने भाई किसकी याद में? भैया अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। क्लियर है? और यहीं पर एक मस्जिद है जिसका नाम है अटाला मस्जिद, और अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह तुर्की ने करवाया था। क्लियर है? चल आगे बच्चे देखते आगे अगला सवाल। तो औषधि अनुसंधान, चाहे तुमसे वनस्पति अनुसंधान कहेगा तो क्या बताओगे? लखनऊ। चाहे वही वनस्पति से हमको मिलती औषधि, औषधि अनुसंधान बताएगा तो क्या बताओगे? लखनऊ। वही वनस्पति से हमें विष मिलता जहर, वो भी कहां पर है? लखनऊ। सब भाई साहब तुम्हारा लखनऊ फेवरेट हमने बना दिया, ठीक है? चल अगला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। धातु विज्ञान प्रयोगशाला बच्चे आप कह सकते हो कहां है बच्चे? यह है जमशेदपुर।
जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में मेरे लाल, ये है। अब तुम कहोगे सर जी जमशेदपुर कहां है, तो जमशेदपुर बच्चे झारखंड में है, मतलब जेएच। तुम कहोगे सर जी झारखंड को तो हम जेके लिखते हैं, झारखंड को बच्चे हम लोग जेके लिखते हैं, लेकिन मेरे लाल जेके मत लिखना, क्योंकि जेके से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जेएच लिख देना। उसके बाद बच्चे पेपर में सवाल बनता है कि इस्पात नगरी, इस्पात नगरी का मतलब हो गया स्टील सिटी, स्टील सिटी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं भाई। फिर जमशेदपुर का याद कर लेना, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आप सब बता सकते हो, एक नदी तुमने सुनी होगी जिसको कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी, और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है क्या बच्चे? जमशेदपुर, जिसको इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फिर बच्चे याद कर लेना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो भाभा की बात आ गई। इसका नाम तुमने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जब मैं ये शब्द लिख दूंगा बार्क, बी ए आर सी, तुरंत समझ जाओगे कि बच्चे बार्क तो ट्रांबे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बार्क मतलब हो गया बच्चे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आराम से आप लपेट चुके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चे। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे महाराष्ट्र में। फिर मेरे लाल मेरे बच्चे बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, ये जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे वाला है, तो बालक आपको याद कर लेना है, अगर आपसे कहा जाए परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो आप सब बता सकते हो परमाणु विज्ञान के जनक, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, जिनको हम लोग कहते हैं, क्या नाम है? डॉक्टर होमी जे भाभा। डॉक्टर होमी जे का मतलब होता है जहांगीर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बच्चे, ये इसके परमाणु विज्ञान के भारत में जनक माने जाते हैं। क्लियर है? फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, तो बच्चे ये कहां पर है? देहरादून। और सबको पता है यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी जिसको हम लोग कहते हैं देहरादून, वहां पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, ठीक है। फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे जब बढ़ते हैं बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, क्या याद करोगे मेरे लाल? टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टाटा वाली जितनी चीजें बच्चे कहां पर? मुंबई में स्थित है, याद कर लेना। फिर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो मतलब स्टाम्प पेपर वाला मामला होता, ठीक है वो, और एड्स अनुसंधान, जितना भी एड्स से रिलेटेड बच्चे मामला है, उस रिसर्च है, वो बच्चे दोनों का दोनों कहां पर है? पुणे में है। कहां पे? पुणे। और बच्चे तुमसे अगर कहा जाए मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आप सब बता सकते हो सॉलसेट द्वीप पर स्थित है, जिसका नाम है मुंबई। बॉलीवुड नगरी किसको कहते हैं? मुंबई को। और एड्स अनुसंधान इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का पुणे, अगर तुमसे कहा जाए पुणे किस नदी के किनारे, पुणे बच्चे स्थित है मूथा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? मूथा नदी किनारे स्थित है पुणे। अगला है बच्चे केंद्रीय खाद्य, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बच्चे कहां है, तो आप कह सकते हो वो है बच्चे मैसूर में। मैसूर बच्चे कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, जिसका नाम बच्चे मैसूर है। क्लियर है? तो ये भी बच्चे याद कर लेना। क्लियर हो गई बात? फिर बच्चे केंद्रीय नमक, केंद्रीय, और सबको पता है मैं टीपू सुल्तान कहां का शासक था, अगर तुमसे कहा जाए तो टीपू सुल्तान बच्चे मैसूर का शासक था। कहां का? मैसूर का। और टीपू सुल्तान के अगर तुमसे कहा जाए पिता का नाम बताओ, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। और बच्चे टीपू सुल्तान कहां का शासक था? मैसूर का शासक था बच्चे। केंद्रीय नमक
एवं समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ है, तो आप कह सकते हो भावनगर। और भावनगर कहाँ पड़ेगा बच्चे? जीजे। जीजे मतलब गुजरात में स्थित है केंद्रीय नमक, आप कह सकते हो जबरदस्त तरीके से। क्लियर है? फिर बच्चे बहुत अच्छे से और नमक बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। बच्चे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की बात आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं HAI, जिसको मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राजमार्ग से रिलेटेड जितना मामला होगा बच्चे कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा। अगला सवाल बहुत अच्छे से देखो, अगले भाई साहब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान। तो भू भौतिकी अनुसंधान कहां पर बच्चे? हैदराबाद में। अगर तुमसे कहा जाए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद बच्चे मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर तुमसे यहीं पे कहा जाए कि मूसी नदी के किनारे बच्चे हैदराबाद स्थित है, और हैदराबाद कुतुब मीनार दिल्ली में है, तुमसे कहा जाए चार मीनार कहां पर है, तो बच्चे चार मीनार तो हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है चार मीनार। क्लियर है? फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना केंद्रीय आलू अनुसंधान। बच्चे आलू अनुसंधान कहां है? तो ये देहरादून यहां पर गलत लिखा, आलू अनुसंधान बच्चे कहां है? शिमला। और सब लोग जान लो शिमला तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तुमसे कहा जाएगा आलू से संबंधित कौन सी क्रांति है, जैसे दूध उत्पादन से क्रांति थी सफेद क्रांति, उसी प्रकार एक पेपर में आता है गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध बच्चे आलू से है। किससे है? आलू से है। फिर बच्चे पारिस्थितिकी विज्ञान संस्थान, तो पारिस्थितिकी विज्ञान संस्थान याद कर लेना इकोसिस्टम वाला कहां पर है? बेंगलुरु में। तो बच्चे हमको शब्द क्या मिल गया? बेंगलुरु। चलते हैं जरा बेंगलोर की सैर कर लेते हैं। तो जब बेंगलुरु की सैर करेंगे ना बहुत मजा आएगा आपको। कैसे? तो देखते हैं ऐसे बेंगलोर, ठीक। तो बेंगलोर यहां पे जब लगा लोगे बच्चे, बेंगलोर का सबसे पहला याद कर लेना, पहली बात तो बेंगलोर किसकी राजधानी है, तो कर्नाटक की राजधानी का नाम बच्चे बेंगलोर है। बेंगलोर का याद कर लेना बच्चे, इसको हम लोग बगीचों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ गार्डन। तो बगीचों का शहर किसे? बेंगलोर को। बेंगलोर को बच्चे और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। किसे कहते हैं? बेंगलोर को। सॉफ्टवेयर सिटी किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर सिटी बच्चे बेंगलोर को कहते हैं, ठीक। और बेंगलोर बच्चे याद कर लेना, बेंगलोर में तो एक हेडक्वार्टर स्थित है। किसका हेडक्वार्टर बच्चे? मुख्यालय। तो याद कर लेना इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। फिर तुमसे कहा जाए इसरो का गठन कब हुआ, तो इसरो का गठन बच्चे 1969 में हुआ। फिर बच्चे तुमसे कहा जाएगा कि इसरो का फुल फॉर्म बताओ, तो आप सब बता ले जाओगे इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हिंदी में इसको अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहते हैं। किसको? इसरो को। बच्चे इसरो के अगर तुमसे जनक की बात करें, तो जनक आप सब बता देना डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या बोलते? डॉक्टर विक्रम साराभाई बच्चे किसके जनक हैं? इसरो के, ठीक। अब इसी प्रकार भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक तुमने पढ़ा था होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है। हाँ, फिर बच्चे यहीं पर याद कर लेना भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कह सकते हो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम सारा भाई। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक क्या नाम है? विक्रम सारा भाई। लपेट के आप सारे प्रश्नों को बता ले जाओगे। फिर बच्चे यहीं पर तुमसे सवाल बहुत बढ़िया करेगा कि ये तो फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? फिर बच्चे बहुत अच्छे से यहीं पर आपको याद कर लेना है, एक बच्चे आपने सुना होगा
आईसी चिप, नहीं सुना होगा तो सुन लो, आईसी चिप। आईसी चिप वो चीज होती है जो कंप्यूटर में लगती है। बच्चे 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की हुई हैं टोटल, 5 पीढ़ियां, फर्स्ट पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। आप कह सकते हो आईसी चिप का बच्चे जो प्रयोग हुआ है ना, वो बच्चे 3rd जनरेशन में हुआ। कौन सी जनरेशन में? 3री पीढ़ी में प्रयोग किया गया आईसी चिप। अगर तुमसे कहा जाए आईसी का फुल फॉर्म बताओ, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसको एकीकृत परिपथ कहते हैं। अगर तुमसे कहा जाए आईसी चिप की खोज किसने की, तो आईसी चिप की खोज की जेएस किल्बी ने। तो जेएस किल्बी ने बच्चे किसकी खोज की? तो जेएस किल्बी ने बच्चे आईसी चिप की खोज की। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता, किसका? आईसी चिप का। 3rd जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ। और आईसी चिप बच्चे पेपर में आता है किसकी बनी होती है, तो याद आप बता देना, आईसी चिप बच्चे जो बनी होती है ना, वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। अब तुम कहोगे सिलिकॉन धातु है कि अधातु है? बच्चे याद कर लेना, सिलिकॉन न धातु है न अधातु है। याद कर लेना, सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, मतलब सेमी कंडक्टर। कौन? सिलिकॉन। फिर तुमसे कहा जाएगा कि विश्व में सिलिकॉन वैली कहां पर पाई जाती है, सिलिकॉन वैली कहां पाई जाती है विश्व में? तो आप सब बता दोगे विश्व में सिलिकॉन वैली बच्चे किसको कहते हैं, तो आप सब बता देना सैन फ्रांसिस्को। किसको? सैन फ्रांसिस्को। बच्चे तुमसे कहेगा सैन फ्रांसिस्को किस देश में पड़ता है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ये विश्व की सिलिकॉन वैली है, लेकिन मैंने जो इतनी रचना पूरी गढ़ी है आईसी चिप से लेकर यहां तक का, वो क्यों बताया? क्यों बताया जानते हो? इसलिए बताया क्योंकि बेंगलोर को बच्चे भारत की सिलिकॉन वैली कहते, भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली भारत की किसे कहते हैं? तो आप सब बता सकते हो बेंगलोर। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पाई जाती है? बच्चे बेंगलोर में पाई जाती है। ये आप बात बता सकते हो। अब एक बार कमेंट करके बताओ कि बच्चे समझ में सच में आ रहा है कि जबरदस्ती आप पढ़ाई कर रहे हो। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई साहब मास्टर पढ़ा रहे हैं, तो एक एक बार सबका जोरदार तरीके से लाइक होना चाहिए भैया, लाइक होना चाहिए, अंगूठा दबना चाहिए। देखो सिलिकॉन वैली केवल बोलने के लिए हमने इतने पूरे के पूरे टर्म बताए हैं, ठीक है? चल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, सब लोगों ने, सब बच्चे जगह शेयर कर दिया, सब बस, थैंक यू मेरे लाल, थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइक और शेयर में भाई साहब कोई कमी मत किया करो, क्योंकि भाई साहब वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है, ठीक है? चल बिल्कुल समझ में आ रहा गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट्स भी बना लेना बाद में, या भी आपको पीडीएफ भी देंगे बच्चे, आप सब अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल पेपर को चीर फाड़ के भाई साहब बराबर कर दोगे। तुमने बहुत पढ़ा होगा, बहुत अध्ययन किया होगा, लेकिन एक बार अगर हमारी कक्षाओं में आपका मन लग गया ना, तो डेली शाम 7 बजे भाई साहब एक बार दिल लगा लिया ना, तो भाई साहब उससे भी तुम आगे, तुमको पीछे कोई नहीं कर पाएगा, इस बात की तो गारंटी हम ले। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, सब बस। हाँ, लाइक और शेयर कर रहे हो का? अच्छा, कई सारे लाइक होते तो सर हम पूरी की पूरी लाइक ठोक देते। मोनी रानी, सर मेरी पहली क्लास है, मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, थैंक यू, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रवि शंकर कुमार, ले वो बच्चा आपका भी नाम ले लिया, खुश हो गए तुम, बहुत बढ़िया। राम कुमार कह रहे हैं पेपर को लपेट देंगे गुरुजी, बिल्कुल लपेट देना भाई साहब। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इतना भाई साहब दिल खुश हो गया, आगे बढ़ते। आगे कहां पे थे हम? ये थे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, कहां था? बेंगलोर। देख लो, बेंगलोर शब्द ने, बेंगलोर शब्द ने बच्चे कितनी रचना करवा दी, तुम खुद जान सकते हो। सिर्फ सिर्फ बेंगलोर शब्द ने भाई साहब इतनी रचना पूरी करवा दी, हजारों क्वेश्चन भाई साहब पैदा कर रहा है, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़ते,
वेरी गुड मेरे लाल, शाबाश। आप में हैंड राइटिंग है सर जी। अच्छा, राइटिंग मजा आ रही है, बहुत बढ़िया बच्चे, चलो जबरदस्त। देखो बहुत लोगों को राइटिंग मजा आ गई। थैंक यू, लव यू ऑल। चलिए, हाँ, लाइक शेयर भाई सब पढ़ना चाहिए। अगला, केंद्रीय वन अनुसंधान, मतलब बच्चे वन अनुसंधान एक प्रकार से फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट के रिलेटेड बच्चे अनुसंधान कहाँ होता है, तो आप सब कह सकते हो ये होता बच्चे देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है वन अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? तो बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से कि अगर तुमसे कहा जाए सबसे ज्यादा वन कहां पर है पूरे भारत में, तो सबसे ज्यादा वन बच्चे आपको मिलेंगे एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। क्लियर है? याद कर लेना। फिर बच्चे तुमसे कहा जाए विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर, तो विश्व में बता देना बच्चे सबसे ज्यादा ब्राजील में मिलेंगे। अगर तुमसे कहा जाए ब्राजील की राजधानी बताओ, तो ब्राजीलिया बता देना। क्या बताओगे? ब्राजीलिया बता दोगे। फिर बच्चे केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, कौन सा? खनन अनुसंधान संस्थान। तो खनन की जब बात कर ले तो धनबाद लगा देना, जो बच्चे झारखंड में पड़ेगा। खनन मतलब जहां से बच्चे मोरंग बालू सब बच्चे नदी किनारे क्या क्या करते हैं, निकाला करते हैं, उसी को बोलते हैं खनन। बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से, झारखंड में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बच्चे जादू गोड़ा। क्या पड़ती है? जादू गोड़ा। और याद कर लेना जादू गोड़ा बच्चे किस लिए प्रसिद्ध है, पेपर में पूछा था, तो जादू गोड़ा बच्चे प्रसिद्ध है किसके लिए, तो आप कह सकते हो यूरेनियम उत्पादन के लिए। बहुत अच्छे से बता सकते हो कि जादू गोड़ा किस लिए फेमस है, तो जादू गोड़ा बच्चे फेमस है यूरेनियम उत्पादन के लिए। तो यूरेनियम उत्पादन के लिए जादू गोड़ा फेमस है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते बच्चे। अगला, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो मतलब एक प्रकार से जांच करता है, ठीक है, तो कह सकते हो भारतीय सर्वेक्षण विभाग बच्चे कहां पर है, तो आप कह सकते हो देहरादून। किसकी राजधानी है देहरादून? तो उत्तराखंड की राजधानी का नाम है देहरादून। बच्चे अगला सवाल यहीं पे बहुत प्यारा सा कह रहा है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। तो जब जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान बच्चे चंडीगढ़ में, कहां पर? चंडीगढ़ में। और याद कर लेना चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में एक स्थित है जो पेपर में पूछा जाता है, रॉक गार्डन। पेपर में आता है रॉक गार्डन बच्चे कहां पर है, तो रॉक गार्डन बच्चे चंडीगढ़ में पड़ता है। फिर तुमसे कहा जाए कि रॉक गार्डन के वास्तुकार या डिजाइनर कौन है, तो आप कह सकते हो नेक चंद्र सैनी। जो रॉक गार्डन के बच्चे डिजाइनर या वास्तुकार हैं, जिनका नाम है नेक चंद्र सैनी। क्या नाम है? नेक चंद्र सैनी। क्लियर है? फिर बच्चे यहां पे एक टर्म मिल गया, जीवाणु। जीवाणु के जनक अगर तुमसे कहा जाए, तो बच्चे आप सब बता देना जीवाणु के जनक ल्यूवेन हॉक। क्या नाम है? ल्यूवेन हॉक जीवाणु के जनक है। बच्चे अगला, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गांधीनगर। किसकी राजधानी है? जीजे। जीजे मतलब गुजरात। गुजरात की राजधानी बच्चे एक प्रकार से गांधीनगर है। क्लियर है? फिर बच्चे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। तो जब समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करता है, तो आप बता देना पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा। बच्चे पेपर में सवाल आता है कि पणजी किस नदी के किनारे है, तो सब लोग बता दोगे पणजी जो स्थित है बच्चे वो मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है, जिसका नाम है पणजी। और यहीं पे बच्चे याद कर लेना, जब कोई नदी होगी तो सिंपल सी बात है उसमें झरना होगा, और जब झरना होगा मतलब रियल में तो तुमने नहीं देखा होगा, लेकिन पिक्चरों में देखा होगा भाई साहब, नीचे से नहा रहे फटाफट, ऊपर से पानी गिर रहा सर 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 सर, घर में देखे ना झरना, कौन वाला? सौर वाला लगा है, बढ़िया पानी चुह रहा, नहा रहे नहा रहे, बाल्टी नहर नहीं पड़ रहा है ना। तो कुल मिला के ऊपर से जब झरना सर 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 से पानी गिर रहा, तो वो नदी पानी है। ऐसा तो थोड़े नदी खुबे करी, नहीं तो भैया कम मोटर वाली पाइप लगा के अगर न हो तो नहीं ना पाई आदमी का पीछे, वो एक समय बाद मोटर फूक जाए।
है कि नहीं, और धार इतनी तेज ना निकले तो एक पीछे वहां पर कोई ना कोई जलप्रपात होगा, चाहे उसको जलप्रपात बोलो, चाहे प्राकृतिक झरना बोलो, कुछ भी बोलो। तो आप कह सकते हो मांडवी नदी किनारे कौन, मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर। बच्चे याद कर लेना, दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात। बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से कि दूध सागर जलप्रपात बच्चे किस नदी पर? मांडवी नदी पर है, याद कर लेना बच्चे। यहीं पर बात आता है, बहुत बढ़िया, पणजी किस नदी पर? मांडवी नदी पर पणजी है, याद कर लेना बालक। जो दूध सागर जलप्रपात है, अगर तुमसे पूछा जाए किस बच्चे दूध सागर जलप्रपात जो बच्चे वो बच्चे किस राज्य में है, तो ऐसे ही तुम बता सकते हो दूध सागर बच्चे कहां होगा। जब मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी बच्चे कहां बह रही है? गोवा में। तो दूध सागर जलप्रपात कहां होगा? बच्चे गोवा में होगा। लपेट के आप रख के आंसर मार दोगे, ठीक। हाँ बिल्कुल। फिर बच्चे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? वाराणसी, जहां पे बाबा काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर है। क्लियर हो गई बात। फिर बच्चे यहीं पर ध्यान रखना, डीजल लोकोमोटिव उसको कहते हैं जहां पर रेलगाड़ी के डीजल वाले डिब्बे बनते हैं, उसको कहते हैं बच्चे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। और यहीं पर मेरे बच्चे मेरे लाल याद कर लेना, जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो वाराणसी में तो है बच्चे। यहीं पर एक पूछा जाता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कौन सा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मेरे लाल कहां पर है? तो आप कह सकते हो पेरम्बूर। कहां पर? पेरम्बूर। और पेरम्बूर कहां पड़ेगा? तमिलनाडु में। क्लियर हो गई बात। तो ये भी बात आपको पता चल गई होगी, ठीक। तो साथियों ये भी बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी, चिपक के सब कुछ समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? फिर बच्चे अभी एक सवाल तुमको मैं दूंगा, बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा आपको। हाँ, देखो पहली बात तो सबको समझ में आ रहा होगा मजे से। चलो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है आप सबको। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? क्या विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी बताना है क्लास आपको कैसी लगी, और जितने भी साथी मेरे नए छात्र छात्राएं हैं मैं उनको बता दूं ये क्लास चलती है रोज शाम 7 बजे। तो रोज शाम 7 बजे ये कक्षा आपको मौजूद रहेगी, ये कक्षा जरूर मिलेगी, और आपको डेली जुड़ना है, कमेंट बॉक्स करके बताना है। और जिन लोगों को वीडियो बच्चे की पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री कोर्स में जाओगे, वहां पर आपको इस क्लास की पूरी बाकायदा पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो साथियों आशा करते हैं आप सबको मजा आ गया होगा, आनंद आ गया होगा आज पढ़ के पूरा का पूरा। और जो हमारा जीएस का बैच है, जो पूरे सारे सब्जेक्ट हमने खुद पढ़ाए हैं, पूरे 18 महीने की वैलिडिटी के साथ, त्रिशूल बैच 2.0 जो 1999 प्राइस है, इसको आप RAM20 कूपन कोड लगा सकते हो। क्या? RAM20 कूपन कोड लगा सकते हो। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। तो साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।